प्यारे भाइयों के सामने चीता कैसेट कंपनी की तरफ से किस्सा पेश है कृष्ण सुदामा भाग नंबर 3। दूसरे भाग में आपने सुना ये दोनों का सुदामा को लेकर झगड़ा बना हुआ था, कृष्ण का और रुक्मण का। कृष्ण तो कहता है कि मेरे बालकपन का यार है, मैं इसको धन दौलत दूंगा, और लेकिन रुक्मण ये कहती है कि वो ये सुदामा भृगु का पोता जिसने आपको लात मारी थी, आप इसको क्यों देते हो, धन क्यों देते हो। तो कृष्ण ये कहता है मिश्रानी के मेरी बात को मान, ये कहां का न्याय होया ये भृगु कर गया, और जो उसका दंड जो हो ये सुदामा भुगते, मैं इसलिए न्याय करना चाहता हूं, इसकी क्या गलती है और एक बात के द्वारा क्या कहता है क्या बताया भला। अरे मैं के दोर रे मैं को घमंड से बैरी दीन से यारी, घमंड से बैरी दीन से यारी, या ऐसे तासीर मेरी पूरे 100 खोट बकस दिए, जब उठी समशीर मेरी शिशु पाली घमंडी मार दिया, जो था बैठा वीर मेरी बड़ी सब हमें रूह के मारे, जात बता के वीर मेरी बड़ी सब हमें जात बता के वीर मेरी, मैं सारे खेल खेला जानू सू, सारे खेल खेला जानू सू, जिसे खेल उसे बचपन का था, बचपन का था साथ हमारा, तू एकला बता बरे था क्यों, जिसी बीती उसी कह देनी थी,
यार तलको करे था क्यों बुखार के बाल हत्या का मेरे शरद दोषी डर था क्यों झूले थकी दौड़ तेरी रुक मनता गणा डर था क्यों झूले थकी बैठ सुदमा आगती पे बैठ सुदमा आगती पे मैं रुक मन ने समझ जाऊं बाल कपड़ का यार सुदमा तू गले ते लाऊं मैं के लोरे तेरे भेड़ उड़े पाऊं करसन पनी कड़े रया जब टोटे मयारी दुखी सर वो महादुखी मैं सराहनी घर में क्यों कर जाली रुकी सर मौत या राजे भूख नवाजे जिसकी कदा लोकी सर जब भूखे सो जा पूत पिता के उनका जन्म सुखी सर भूखे सो जा पूत पिता उनका जन्म सुखी सर सर्व व्यापक से नाम मेरा रे सर्व व्यापक से रुकमणि क्योंकि याद दबाओ हमारे मन हर बात का पता है इस संसार में क्या 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 होता है तीनों लोगों में क्या होता है मेरी हर बात याद रहती है मेरे वह बात याद है जब वो हादसा हुआ था कौन सा कि दोनों साथ तू बार बार कह रही है कि ये भरगू का पोता है मैं बताता हूं तेरे को वो हादसा मेरे याद है और उस दिन की तू छो मारी है उस दिन का एक कुटुंब जो है टोटे में मरण लाग रहा है तीन पीढ़ी बीत गई रईब तो माफ कर दी इसने और कैसे क्या कहता है कृष्ण भगवान क्या बताए यो उस बरगु का यो रब उस बरगु का पोता से जिसने मारी लात मेरे मेरे लगी और तू रोई थी दुख हो गया था बाज तेरे तने छो महिया के श्राप दे दिया ना दर गोकुल में बास करे मंगेरा में हरी की लीला कौन करे वो रे कौन भरे मंगेरा में हरी Yeah.
कर गया बिरगू पर सुदमा कर गया बिरगू पर सुदमा इनू ना करना चाहूं सू बड़ा आदर सत्कार से सेवा करता है वो कृष्ण भगवान सुदामा की। अब सुदामा कुछ नहीं बताता कि भाई मैं तेरे पास क्या काम आया था, लेकिन कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो अपनी माया से जान जाते हैं कि ये किस काम के लिए आपके पास आया था। अब उसको तो आदर सत्कार करके एक कमरे में ठहरा देते हैं, सेवा के लिए 10-20 नौकर छोड़ दिए जाते हैं, और अपनी माया से जो कुछ देना था, जहां सुदामा की झोपड़ी थी वहां पर एक आलीशान महल तैयार कर दिया और हर तरह के आनंद मोद कर दिए कृष्ण भगवान। अब कई रोज जतने के बाद सुदामा ये कहता है, भाई मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। बोला, भाई ठीक है, शौक से जाओ, क्यों रही साथ तक अजा क्या तो मान गया, मेरे 2-4 दिन तो हैं। क्या भाई तेरी भाभी याद आ गई, मेरे हर बालक याद आ रहे, मैं जाऊंगा। अब जिद देख के सुदामा की, लेकिन मन ही मन जान गया कृष्ण की आया था वो काम तो इसने कहा को ना, और इजाजत दे देता है कि ठीक है भाई जाइए। अब सुदामा चल तो पड़ता है, लेकिन मन में ये सोचता है, अरे यो अच्छा यार होया भाई, इसने तो अंतर्यामी कहती है दुनिया, लेकिन ये भी नहीं जान सका कि मैं इसके पास किस काम के लिए आया था। अरे नए लत्ते पर आगे बधाई दे दी, कृष्ण भगवान डोढ़ी तक छोड़कर वापिस हो लेते हैं। अब सुदामा चल पड़ता है अपने नगर की तरफ, और रास्ते में चलता हुआ अपनी मेजरानी ने न्यूकल नगर दान ने देखकर बेइज्जती करवाई। मैं पहले नाटू था मत भेजे नुवली के ना जा, वो तेरा बालकपन का यार से तेरे कष्ट दूर करेगा। देख बरम्बर ओटे पड़ा था सारे के पास खंडवा दी मेरी, और क्या सोचता हुआ चलता है अपने घर की तरफ, क्या बताया बता। मैं द्वारका पुरी नर भेज दिया, नो डोब दिया मैं सरानी ने, मजना है करसन की पटरानी ने, मैं द्वार कपुरी ने भेज दिया हनू, भेज दिया मिसरानी ने, तेरे आया लेने के लिए मजना है करसन की पटरानी ने, द्वार कपुरी ने गरा कबू था वो साची हो गे, गरा कहूँ था वो साची हो गे, सारे रब बोले ब्राह्मण के द्वार कपुरी में जाके हो गे, सस्ते मोल ब्राह्मण के आज 3 जंग है पे सुनते होंगे, बज तेरा ढोल ब्राह्मण के, करसन के घरा गया था रुक्मण, वो करती मखोल ब्राह्मण के, वो कंगला के बोले थी।
कमला के ते बोले थी नू फूक दिया वो सब पानी ने ने धर्मेशरानी तू मत गल है राम बरगू के कुल में पैदा हो रहे है मारे लक्ष्मी कोने आवर कोने आवे कोने आवे पर दाब दे दी और मैं भी मेसरानी की बात मान गया रीत भूल के आ गया अपने अगले भाई हो सके के बरा सोने ले कैसे क्या कहा क्या बता दूसरी कभी मैं अरे 21 जन्म तक वेद पढ़े 21 जन्म तक वेद पढ़े जानू था धर्म ब्राह्मण के विद्या पढ़ी पढ़ाई जथ में जो ओसे कर्म ब्राह्मण के करसन के घर जाके हो गए इसे बेश्रम ब्राह्मण के जिंदगी वो से बड़े भरम की ठंडगी भरम ब्राह्मण के मैं बरगू कुल में पैदा हो गए बरगू कुल में पैदा हो गए तेरे पच क्या मंगल पुरानी ने 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 मर्द का कया नाट जा जो वीर मर्द का कया नाट जा वीर नहीं बबेरी से जो नेक वीर ने मर्द त्याग देवो मर्द नाग तह जारी से जो वीर मर्द का कया मुकर जा के घरा रखने की पैरी से जड़ा वीर मर्द की नहीं बने बूढ़े बेपता ते घनी गैरी से मसोवे नचा उन्हें एक न मनी सोवे नचा एक न मनी अरे न्यू मारिया कटक खाई ने आया ते कृष्ण तने के करी बात मेरी के लम्हा ते खरा आ गया था अरे तने मेरे वस्त्र मेरी हालत देख के तन्नू सोचना था कि यो कुछ लेन आया होगा
अरे कह दिन की बात होली, बालक भूखे थे, चारों लड़के मर लिए होंगे, मिसरानी मर ली होंगी। अरेब जीवन का रहा मेरा भी ना रहा, मैं चुप कर जीऊंगा उस कौन बागानी को देख के और रोष में भर के। आखिर में क्या कहता है, क्या बताया? अरे धन धन सतन, अरे धन धन सतन नंद के नंदन, मेरे कोना बरन पछाने दन मांगे धन देना था मेरे, देख के वस्तरी पुराने, चारू पुत मेरे मर लिए होंगे, घरा नहीं थे खान न दाने, जन्नू गिन्नू बनगी तक करसन मेरे किसी बठोड़ ठकाने, कह लक्ष्मी चंद क्यों कर जीऊंगा, कह लक्ष्मी चंद क्यों कर जीऊंगा, अरे देख के कौन बागानी ने आया रखे अब इतनी बातें सोचता हुआ वो सुदामा द्रावड़ नगरी में आ जाता है, और जहां उसकी झोपड़ी थी वहां पर बड़ी आलीशान हेली मकान बना हुआ, महल बना हुआ। तो सोचने लगे मन में, अच्छा कृष्ण तो फेटन गया, बाकी से साहूकार ने बालक और दबा दिया दे दे, और महल बना के बैठ गया, हर डर गया, तू तो हर तरह से बर्बाद हो गया, घर का रान घाट का। कृष्ण दौरे ना जा तो भूखा तैसा अपने बड़का दौरा तो पड़िया रहे, वो बालक भी गए, और एक बात के द्वारा झोपड़ी की जगह वो अटारी को महल को देख के क्या सोचता है, क्या बताया भला? अरे डर गया सोदामा देख के, बाई ऊंची अटारी ने डर गया सामा देख के, ऊंची अटारी ने डर गया सामा देख के, ऊंची अटारी ने डर गया बस्ते घर में टोटा आ जा दुखी हो जा घर बारी में, बस्ते घर में टोटा आ जा दुख हो जा घर बारी में, आये नंदन नंदन नंद लाल खोदिया, नंद नंदन नंद लाल खोदिया, ओए ब्राह्मण तेरी बचपन की यारी ने डर गया सुदामा देख के, ऊंची अटारी ने डर घरा बोला के इज्जत तारी दुख दे दिया ब्रह्मचारी ने, घरा बोला के इज्जत तारी दुख दे दिया ब्रह्मचारी ने, अरे कृष्ण काले मुरली आले, कृष्ण काले मुरली आले, ओए अरे तुम्हें के साले रथू साहूकारी ने डर गया सुदामा देख के, ऊंची अटारी ने डर गया सुदामा।
अरे कई रोज ते नो सोचू ता फेटिया गिरदारी ने 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 कई रोज ते नो सोचू ता शर्म तो तेरे कद्दे की कोनिया मनू ना बोलू था मेरा यार से अरना तो तेने सदा ये धोखे दिए हैं लोग और करया भी के है तेने क्या कहता है क्या बताया अरे मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद काट गए बीमारी मैंने मंगे राम गुरु लक्ष्मी चंद काट गए बीमारी और जात जमात शरम नार तेरे जात जमात शरम नार तेरे अरे रुक मने नल्ला यार घर तेरे खाके कवारी